Yes, student, good morning, everyone. Welcome to online classes SVPS. Topic of discussion for the class 10th subject biology, reflex action. So, in the reflex action are the promoted by the nervous system. So, the nervous system ke according, jo reflex action ki process hai, wo nervous system ke according thi, humari body jo organization hai, uske dwara complete hogi. तो जो भी प्रोसेस है वो कितना नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रही है और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी स्किन के द्वारा स्किन का मतलब नर्व जितनी भी अंदर बॉडी के अंदर नर्व सेल्स हैं सो आर द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फॉर द प्रोड्यूस फॉर द नर्वस सिस्टम सो द रिफ्लेक्स आर द प्रेजेंट इन आवर बॉडी द रिस्पॉन्स So with the reflex action, that is the definition of the reflex action, the response of the nervous system can be classified as reflex action, voluntary action or involuntary action. So response of the nervous system can be classified as the reflex action and voluntary action or the involuntary action. So डिफरेंट टाइप की प्रकृति जो भी क्रियाएं हैं वो सारी प्रकृति जो क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन है वो मुख्यतः हमारा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है सिंपल तौर पे हम इस टॉपिक को समझते हैं कि नाउ द फॉर द हीट दैट इज द हीट फॉर द हीट कप एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द टी कप सो द टी कप सो द प्रोड्यूस जब हम किसी वस्तु को जैसे भाप है तो भाप या हमारे स्किन पर कोई क्या है रिसेप्टर ऑफ स्किन हमारी स्किन के अंदर एक रिसेप्टर जो ऑर्गन है वो नर्वस सिस्टम है तो रिसेप्टर जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी स्किन में जुड़ा हुआ है और जो जुड़ा है जैसे ही भाप है या हीट है या बर्फ है आइस है तुरंत एहसास हो जाता है कि ये गर्म है कि ये कहने का मतलब ये हीट है कि कूल है सो आर द प्रेजेंट फॉर दिस पार्ट ऑफ द हीट ऑफ हीट दैट इज द हीट पाउच द हीट पाउच एंड दैट इज द हीट प्रोड्यूस फॉर द पेन जब हमें दर्द होता है वो कहने का मतलब ये जो हमारे रिसेप्टर है स्किन के अंदर वो इस चीज़ों को रिसेप्ट करते हैं और रिसेप्ट करने वाला जो ऑर्गन है वो मुख्यतः नर्वस सिस्टम है बेसिकली जो है वो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मसल्स आर्म है जो मसल्स आर्म है उससे मोटर न्यूरॉन्स जुड़ा हुआ है कहने का मतलब है जो स्पाइनल कार्ड है जो रीढ़ की हड्डी है कहने का मतलब है जो रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी के अंदर एक फ्रंट प्रेजेंट रहता है जिसको हम स्पाइनल कार्ड या मेन रज्जु कहते हैं तो मेन रज्जु जो है इसी को हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है जो CNS है जो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो ब्रेन की जो पार्ट है ये जितने भी मैसेज हैं तो कहने मसल्स जो मसल्स ऑफ द आर्म है वो मुख्यतः मोटर उसके द्वारा मोटर न्यूरॉन के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है दैट इज द सेकेंडरी न्यूरॉन दैट इज द मोटर न्यूरॉन एंड दैट इज द सेकेंडरी न्यूरॉन इज द फाउंड ऑफ द अपर साइड एंड द मोटर न्यूरॉन आर द प्रेजेंट ऑफ द एल्बो साइड सो दिस पार्ट आर द प्रोड्यूस दैट इज दिस पार्ट इज द सो दैट इज पार्ट ऑफ द vertebra so vertebra is the present for the whole part are the present for the CNS central nervous system central nervous system so CNS central nervous system are the produce this part of the central nervous system and that is the central nervous system for the heart present this part to the मैसेज ऑफ द ब्रेन जो यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पार्ट है इसके अंदर ब्लड है वो ब्लड एक ब्रेन को संकेत देता है एक संकेत या दिशा या डायरेक्शन देता है कि कोई जो हमें टच कर रहा है जो वस्तु जो है या कोई भी वस्तु है वो मुख्यतः हीट है कि ठंडी है तो हीट और ठंडी का जो एहसास है ये तुरंत ब्रेन को संकेत देता है और ब्रेन जो है वो तुरंत नर्वस सिस्टम को संकेत देता है कि वहाँ से आप हीट से अपना हाथ हटाइए या कोई ठंडी है उससे अपना हाथ हटाइए तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस है वो मुख्यतः
रिफ्लेक्स अर्थ के द्वारा होती है, और ये भी जो न्यूरॉन है, वास्तविक जो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है उसे जो न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो न्यूरॉन्स है वो बेसिकली रियली न्यूरॉन है जो मुख्यतः यहाँ से लेकर के इस पार्ट के द्वारा इससे यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मिडिल पार्ट से जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के बाद में यही सारी एक्टिविटीज को बढ़ाता है, डायरेक्शन ब्रेन को देता है, और ब्रेन से डायरेक्शन नर्वस सिस्टम ब्रेन को संकेत दिया और ब्रेन ने तुरंत वर्क कराया। नर्वस सिस्टम से तुरंत जो भी हम रिफ्लेक्स होता है, जो भी हम ऐसे कोई बस पास से आती है तो आते हुए तुरंत हमारी आंखों से या पलक से टकरा जाती है। क्यों टकरा जाती है? क्योंकि टकराने का रीजन है नर्वस सिस्टम हमारा बहुत फास्ट जो मूवमेंट इसके अंदर है, फास्ट जो गति होती है उस फास्ट गति के अनुसार ही या रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो मुख्यतः हमें कराने के लिए प्रेरित करती है, और प्रेरित करने के बाद में सारी जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्स अर्श है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो द डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सदर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज द रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन एंड द इनवॉलंटरी एक्शन। थैंक्स वॉचिंग फॉर यू।